सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना सुखविंदर सुखी। जिवें तुसीं सारे जानते हो कि बड़ी दुख की खबर मिली भी सरदूल भाजी साडे इस दुनिया दे विच नहीं रहे। कई बारी जिंदगी दे विच तुहानूं इदां दी खुशी की खबर सुनने मिलती है, कोई चंगा वापरदा जां तुसीं इन्ने खुश हुंदे हो, जदों वो खुशी नूं एक्सप्रैस करने लई जां इजहार करने लई खुशी दा तुहाडे कोई शब्द नहीं हुंदे। तो कई बारी नम हुई अखां जां अखां दा पानी तुहाडी खुशी दा इजहार हो जाता है। तो कई बारी तुसीं जिंदगी तुहानूं इन्नी कोई दुख भरी खबर मिलती है जां दिलों तुसीं इन्ने कई बारी दुखी हुंदे हो कोई गल सुन के, तो उदों भी मैनूं लगदा कि अल्फाज तुहाडे कोल हुंदे ने भी वो दुख नूं किवें इजहार कीता जावे। तो अज जदों सरदूल भाजी का पता लग्या तो बाकी मैनूं पता ना लगे भी मैं इस दुख नूं किवें एक्सप्रैस करां। बाकी बहुत बड़ा घाटा उन्हां दे जाण दा। परमात्मा कई बारी कहना नहीं चाहिए, परमात्मा आपां गिला नहीं करना चाहिए परमात्मा ते, क्योंकि बहुत बेअंत है, उहदी की रजा अपनी सोच तो बहुत परे हुंदी है। पर कई बारी जिवें इत्थे मार पई करलाणी तै कि दर्द ना आया, करनाल देव जी ने कहा सी। तो कई बारी हुंदा है भी परमात्मा उन्हें तो बहुत लोड़ सी जे सरदूल भाजी उन्होंने परिवार नूं भी, समाज नूं भी, संगीत इंडस्ट्री नूं भी, सारे आलाप उन्होंने भैन जी अमन नूरी उन्होंने अजे उन्होंने आशीर्वाद की, उन्होंने साथ की बहुत लोड़ सी। तो पता नहीं क्यों इन्नी जल्दी परमात्मा ने वापस बुला लिया, क्योंकि मैनूं याद आ वो दिन भी जदों पहली बारी रोडवेज की लारी मैं उन्हां दा जलंधर दूरदर्शन के उपर सुनिया। पहली बारी मैं जो पढ़ता हुंदा सीगा उदों यूनिवर्सिटी दे विच, उदों रोडवेज की लारी तो लैके फुल्लां दी कच्ची व्यापार ने, मैं उन्हां दा गीत बहुत यूनिवर्सिटी स्टेज ते गाउंदा रहा। ते हुसना दे माल को सताया ना करो, किन्ने किन्ने ही गीत, सैकड़ियां की तादाद दे विच गीत उन्हां दे, ड्यूट तेरा लिख दूँ सफेदियां ते ना, जिन्हां दा असीं आनंद माणिया अज भी सुनदे आ, बहुत सुने ने। क्योंकि मैनूं लगदा हुंदा भी सरदूल भाजी वर्गा कलाकार बनण लई एक सदी चाहिदी है, भी एक सदी दे विच सरदूल भाजी वर्गा कलाकार पैदा हुंदा। अज हर अख नाम है, ठीक है, जाना आना दुनिया ते बनिया होया, गुरबाणी दा कथन है भी मरण लखाए मंडल में आए, जाना आना बनिया होया, दुनिया आई जाती है जाई जाती है। वो मैं शायद एक शेर बोलते होंगे ने भी, मरना भी उसी का जिसके मरने पर जमाना करे अफसोस, वरना दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए। बाकी अज जमाना अफसोस कर रहा, जिथे भी जिथे जिथे भी दुनिया दे विच पंजाबी वसदा है, ते अज उहदी वाकई अख नाम हुई है, अखां 'च पानी आया ते दिलों उसनूं दुख होया, क्योंकि सरदूल भाजी किसी एक वर्ग के कलाकार नहीं सी, उन्होंने हर वर्ग सुनता सी, बच्चे, नौजवान, बजुर्ग, साड़ियाँ धियाँ भैणां वाले गीत, हर वो परिवारक कलाकार सीगे, हर वर्ग उन्होंने गीतों का आनंद माणदा सी, हर वर्ग उन्होंने प्यार करता सी। सही मेहनत जी आप कहने लोक गायक का जोड़ा परिभाषा उन्हें तो फिट बैठते सी, बाकी वो लोक गायक सी। दूसरी गल असीं भी इस किते नाल संबंध रखते हैं, होर असीं कलाकार लोग जिहड़े गायकी का काम करते हैं, कोई मेहनत करता है, सीखता, सीख के कलाकार बनता है। पर मैं सरदूल भाजी उन्होंने इस कैटागरी तो बहुत दूर, बहुत उपर रखदा, क्योंकि वो बने बनाए एक कलाकार आउंदे ने कि परमात्मा कोई चीज़ इदां दी भेजदा है भी वो जिहड़े उस काम लई ही बने हुंदे ने। सरदूल भाजी मैनूं लगदा भी वो परमात्मा ने उन्होंने भेजिया ही गाउण दे लई, सिंगिंग लई सी, उन्हां दा जिहड़ा एज ए आर्टिस्ट ही परमात्मा ने उन्होंने बना के भेजा सी। कैसा गला उन्हों का, जिमें कोई आप साज बजाने चो सुर निकलते हैं, जो सरदूल भाजी गाते सी उन्होंने गले के सुरां की आस उन्होंने गले के होंदी सी। क्योंकि मेरा उन्होंने लगा इस करके भी सी, भावें मेरा उन्होंने मेल बहुत चिर बाद होया, जो मैं इस प्रोफैशन के आया, ते मेरा पिंड भी खन्ने दे नाल अमलोह दे कोले पैंदा है ते सरदूल भाजी हुंदा खिड़ी नौत सिंह खन्ने दे नाल बाद चो खन्ने रहिंदे सी, इस करके मैनूं लगदा सी भी मेरे इलाके दे ने साडे एरिए दे सरदूल भाजी, सानूं बड़ा फखर हुंदा सी जिन्ना चिर असीं इस लाइन दे विच नहीं सीगे भी असीं किहनूं दस्सना भी सरदूल भाजी खन्ने तो ने, साडा भी ओह एरिया। तो मैं जदों पहले दफ्तर ननकाणा साहब कंपलैक्स सन 2000 की गल है, मैं दफ्तर लिया तैयार करवाया। मैं पहला उदा उद्घाटन करना सी, जो अं प्रवेश करना सी उत्थे मैं पहला सरदूल भाजी उन्होंने तो टाइम लिया। मैं आपदे दफ्तर का उद्घाटन सन 2000 सरदूल भाजी तो कराया। अज भी मैं वो फोटो सामभ के रखी हुई है भाजी उन्होंने। तो बाकी भाजी उन्होंने जो सुभाव की आप गल करिए, इन्ना मिठ बोलना, इन्ना प्यार दे नाल हर एक नूं मिलना, सत्कार देना, उन्होंने कोल बैठ के कदे लगता नहीं सी भी असीं एडे वड्डे कलाकार दे कोले बैठे हाँ, जां सरदूल सिकंदर एडा वड्डा आर्टिस्ट जिन्होंने दुनिया देखण नूं तरसदी है। तो जदों उहदे किते बैठण लगना भी ये सरदूल भाजी ने एडे एडे वड्डे कलाकार किवें साडे नाल गल्लां करदे ने, किवें साडे वांगू ही विचरदे ने। उन्हां दी जिन्हें भी उन्हां दी संगत कीती है तो उन्हां नूं जरूर इस बारे जानकारी होनी है। कदे चले जाना तो उन्होंने फिर 2-3 घंटे पक्के हुंदे सी, उन्होंने कहना नहीं बैठ जा जी अजे नहीं जाना, एक कप चाह तां होर पीने। तो उन्होंने कोई कोई जिंदगी दे विच बड़ी मेहनत की सी गमदूर भाजी, जिन्हें सारा परिवार ही इस खित्ते नाल जुड़िया है सीगा संगीत दे नाल। ते जो भी अज संगीत इंडस्ट्री नाल संबंध रखने वाली जिन्हें भी साडे लोग ने, अज वाकई बहुत दिलों हर एक नूं दुख होया। ते आपां सारे मिलजुल के परमात्मा के चरणों च अरदास करिए कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के निवास बख्शे। तो सारंग नूं अलाप नूं भैण जनूरी उन्होंने भाणा मनण का बल बख्शे। तो बाकी वो कहते कलाकार दुनिया तो चले जाता, फिजिकल तौर पर चला जाता, पर जिहड़ा उहदा काम वो रहिंदी दुनिया तक रहिंदा। देखो रफी साहब गए ने, होर किड़े किड़े नुसरत फतेह अली खान साहब गए ने, पर वो फिजिकली चले गए, पर वो उन्होंने जोड़े बोल ने, जोड़े उन्होंने गीत ने अज भी नमें ने, उन्होंने करके वो अज भी साढ़े मौजूद ने। इस तरह सरदूल भाजी भावें चले गए ने, बहुत बड़ा घाटा है, पर वो उन्होंने जोड़े गीत ने वो अपनी आवाज़ राही हमेशा रही दुनिया तक, जो तक दुनिया रहूगी उदों तक उन्होंने गीतों की सरदूल भाजी के गायकी गायक शैली की हमेशा बात पैंदी रहूगी। क्योंकि जिदा के गीत सरदूल भाजी ने गाए ने वो हर वनगी ऐसा उन्होंने गल सी, हर वनगी उन्होंने गले में सूट करती, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे बीट सॉन्ग हो, चरखा गली दे विच डालिया, चाहे नज़रां तो डिग्गी की करिए, वो एक उस ऐसा माहौल बना के वो गाते सी, लगता सी ये एक हूक ये चीज़ उन्होंने गायकी दे विचों ऐसी फीलिंग सी भी लगता सी जिहड़े ये गीत है ये सरदूल भाजी लई ही बनिया, होर इस गीत नूं नहीं कोई गा सकदा। बड़े बड़े कलाकार भी जदों किते स्टेज ते हुंदे सी तां ओह जदों किते सरदूल भाजी तमाइक आ जाना तो उदों कहंदे सी भी एंड है। कुछ मैं कहना भी राजे सिकंदर ने आपदे बल दे नाल दुनिया जित्ती सी, ते सरदूल भाजी ने आपदे सुर दे नाल, सुर दी शक्ति दे नाल लोकां ते राज कीता, दुनिया नूं जित्तिया। ते इस करके रहिंदी दुनिया तक सरदूल भाजी साडे विच रहणगे। ते मैं दिलों भाजी नूं श्रद्धांजली भेंट करदा बड़े दुख दे नाल, क्योंकि अजे उन्हां दी जाण दी उमर नहीं सी, क्योंकि अजे सारिआं नूं बड़ी जरूरत सी भाजी उन्हां दी, उन्हां ने बड़ी अजे होर म्यूजिक इंडस्ट्री नूं बहुत कुछ देना सी, अजे बड़ा कुछ बाकी सी। बड़ियां उन्हां दियां बहुत प्लैनिंगां सीगियां, कई वारी आपां कुछ होर सोचदे हां, परमात्मा नूं कुछ होर मंजूर होंदा, शायद परमात्मा नूं यही मंजूर सी। सो इन्हां शब्दां दे नाल सरदूल भाजी नूं श्रद्धांजली भेंट करदा। ते जिहड़े भी भाजी नूं प्यार करदे सी जिन्ने भी लोग, सारा नाल मैं दुख सांझा करदा। ते परमात्मा परिवार नूं ते सारे सके संबंधियां नूं, सारे यारां दोस्तां नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। ते मतलब कल नूं उन्हां दा दे संस्कार कलू होना पिंड खिड़ी नौत सिंह, मतलब 2 बजे का टाइम आते, सारे उत्ते जरूर पहुँचो। तो एक बड़ी जी वधिया गल असी थोड़े दिन पहला मैं खन्ने गया भी सीगा, साडे कमल जीत जी ने कमल खन्ना तो ते अपने साधु सिंह धर्मसोत मंत्री साहब ने उन्होंने मीडिया एडवाइजर ने उधर भी असी काफ़ी देर भाजी उन्होंने दियाँ गल्लां करते रहे। असी कहते भी सरकार नूं इदां दे कलाकारां दा जां मेडिकल का खर्चा जो भी है सुविधा देनी चाहिए। पंजाब सरकार का मैं धन्यवाद करता जिन्ह ने जो उन्होंने होटल हॉस्पिटल का जो बिल सगा मैं जो स्टेज उत्तर मैं खबर पढ़ी सी कि वो सरकार ने देने का वादा किया। तो इस गलों असी पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का, चरजीत चन्नी जी जे कल्चर सभ्याचारक महकमे के मंत्री ने, वो भी सदूल भाजी के बड़े फैन से। तो अज कैबिनेट ने भी भाजी उन्होंने 2 मिनट का मूँह धर के श्रद्धांजलि भेंट की है, क्योंकि भाजी हुणे ये चीज़ के हकदार ने, क्योंकि जिन्ना उन्होंने संगीत इंडस्ट्री में दिता है वो बहुत बड़मुला योगदान है। तो आने वाले समय तक भाजी की जी देन है उन्होंने याद रखा जाऊगा। सो सारे के नाल मैं जिन्हें भी तुसीं जुड़े हो तो जिन्हें भी भाजी को प्यार करने वाले सी सारे मैं दुख साझा करदा। तो परमात्मा परिवार को भाला मनण दा बल बख्शे, क्योंकि मैं पहला कहा भी कई बार थोड़े को अल्फाज नहीं होंगे भी कि बोलना, क्योंकि असीं जिन्ना मर्जी भावें स्टेज पर बहुत बोलते हैं, पर अज एक जवान जिहड़ी शब्द नहीं किन्ने शब्दों का यह दुख संदेश किया। बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि कदे सोचा नहीं सी भी इन्नी जल्दी भाजी साडे विचों चले जाणगे। चलो परमात्मा अगे तक दुआ करना भी परमात्मा परिवार को भाणा मनण दा बल बख्शे ते आने वाले समय परमात्मा परिवार की बांह फड़ के रखे, कोई भी दुख इस परिवार च ना आवे। इन्हां शब्दां नाल तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।